वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी 2018 के एग्जाम के बारे में। आप सब लोगों को पता है कि आज 20 तारीख का जो है सो सेकेंड शिफ्ट ओवर हो चुका है। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन लोगों ने बाहर आकर जो भी क्वेश्चंस बताए हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, सारा का सारा क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा। सबका सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। आप लोग अगर एग्जाम नहीं दिए हो तो आप लोग देख लेना, उसके बाद जाना। और जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो लोग तो भी देखो, क्योंकि इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, आरपीएफ का है, एसएससी जीडी का है, और जीके जीके होता है, हर जगह सेम ही होता है, तो आप लोगों का भी काम करेगा। ओके और जो लोग एग्जाम नहीं दिए हो, देखो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें एएलपी आस्क्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सीरीज है, सब कुछ देखो। और एक सीरीज और है कि एग्जाम देने से कम एक बार जरूर देखकर जाएं, जिसमें भारत में वर्तमान में कौन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजी, मिश्र धातु, ये सारा डिटेल्स मैंने बताया है। टोटल का टोटल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन फिक्स है, विटामिन का रासायनिक नाम सबका एक एक लेक्चर बना करके मैंने डाला है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्या करना आप लोग देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक चीज और आप लोग जान जाओ, क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले एक चीज आप लोग और जान जाओ कि अभी हम लोग जो है सो रेलवे का एएलपी के लिए पेपर टू का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एएलपी पेपर टू का ट्रेड सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का 40-41 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप सब लोग सेफ हो, आप लोग आराम से एग्जाम का तैयारी करो पेपर टू के लिए। और ट्रेड सिलेबस अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, अपना ट्रेड जो है सो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो में कमेंट करना है, क्योंकि हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, जिस ट्रेड पे सबसे ज्यादा कमेंट आएगा वो ट्रेड सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो ये काम आप लोग पहले कर लो, और अपने अपने फ्रेंड को भी बता दो कि यहाँ पे कहना कि आप फ्री में अच्छे से पढ़ाई कर लोगे और अच्छा खासा वेल क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो आज के शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आया था, क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या आया था, यह आया था आपका 1 HP। 1 HP बराबर क्या होता है? इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बोलते हैं, अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं, अश्व शक्ति। ओके, हिंदी वाले को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये होता है 746 वाट, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जब वाट का यहाँ पे आ गया बात, तो ये भी देख लो कि वन यूनिट जो बिजली बिल उठता है अपने घर में, वो कहते हैं हम लोग 1 kWh को, इसी का दूसरा नाम है 1 यूनिट। और इसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ वाट। अगर किलोवाट में पूछेगा तो 3.6 × 10³ किलोवाट, और अगर मेगावाट में पूछेगा तो 3.6 मेगावाट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक शिफ्ट में ये आ चुका है, एक शिफ्ट में ये आ चुका है, एक शिफ्ट में ये आ चुका है, 3 से 4 शिफ्ट में ये आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर दो हम लोग देखते हैं। नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल पूछा है, मटेरियल सबसे कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ। तो सब लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, हीरा, हीरा डायमंड। ठीक है, डायमंड। और अगर धातु में मेटल में सबसे कठोर पूछेगा तो ऑस्मियम होगा, क्या होगा, ऑस्मियम। लेकिन अगर पदार्थ पूछेगा तो ये आपका हीरा हो जाएगा, ये नेचुरल रूप से सबसे कठोर पदार्थ है पूरे धरती पर। ओके चलो देख लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3। ब्रेड के फूलने में कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन आया था। ब्रेड जो फूलता है, ब्रेड के फूलने में, के फूलने में कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके चलो पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। फीफा अंडर 17, इसके बारे में कुछ कंसेप्ट आप लोग जान जाओ, पिछले शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, फीफा अंडर 17, इसके बारे में कुछ जान जाओ। सबसे पहला पिछले शिफ्ट में जो आया है, होस्टिंग कंट्री, होस्टिंग कंट्री कौन है, कौन सा कंट्री होस्ट किया था, तो ये है आपका इंडिया। ठीक है, एक याद रखना। दूसरा, चैंपियन कौन बना था, तो चैंपियन बना था इंग्लैंड, इंग्लैंड बना था। और तीसरा, रनर अप, रनर अप मतलब सेकेंड पोजीशन पे, मतलब हारा कौन था, स्पेन, मतलब इंग्लैंड स्पेन को हरा करके चैंपियन बना था फीफा अंडर 17 में, और होस्टिंग कंट्री इंडिया था। तो तीनों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और एक तो बन चुका है, आ चुका है। चलो
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फाइव या क्वेश्चन नंबर फाइव जो समझो आत्मघाती थैली। ये क्वेश्चन पहली बार आया है आरआरबी एएलपी के एग्जाम में इस बार, ठीक है। इससे तीन चार पांच दिन एग्जाम हुआ है, किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया था, आत्मघाती थैली। तो ये कहते हैं लाइसोसोम को, तो इसको आप लोग याद रखना। स्पीडी सीरीज का जो जनरल साइंस बुक मैं चला रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, अभी तक मैंने 10 लेक्चर उसमें डाल दिया, वो आप लोग देखो, क्योंकि वो ना समुंदर है। यहाँ पे क्या है कि 5 10 15 क्वेश्चन देख रहे हो क्योंकि एग्जाम में आया है तो बस देख रहे हो, लेकिन इसमें क्या है कि आप बस देख रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं सीखोगे। अगर आपको ज्यादा सीखना है, मतलब जनरल साइंस पूरी तरह से सीखना है, तो लिंक डाल दिया हूँ स्पीडी सीरीज जनरल साइंस का है, वो आप लोग देखो जनरल साइंस के लिए। और अगर आपको जीके सीखना है तो एसपीडी रेलवे सामान अध्ययन का भी सीरीज चल रहा है, वो आप लोग देखो। ओके चलो पॉइंट नंबर सिक्स देखते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। ब्रेन सॉल्यूशन बोलते हैं कुछ लोग, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये कुछ नहीं होता, जो पानी में हम लोग नमक घोलते हैं ना, बस उसी को बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल नमक जो पानी में घोलते हैं उसी को बोलते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर, इसको यानी नमकीन पानी कह सकते हो, इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा। चलो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया। स्टेनलेस स्टील, देखो इसका मिश्र धातु से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला है, काफी अच्छा वीडियो है, एक बार देख लोगे ना तो जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, ऐसा ऐसा ट्रिक उसने बताया। आप ये जान जाओ कि स्टील जो होता है वो होता है लोहा प्लस कार्बन, ठीक है, ये आप लोग जान जाओ एकदम से, सबको आना चाहिए ये चीज क्योंकि एग्जाम में आता है। अब बताओ स्टेनलेस स्टील में स्टील है तो लोहा प्लस कार्बन पहले लिख दिए। और एक चीज याद रखना कि जहां पे लोहा होता है वहां पे हम लोग निकेल और क्रोमियम, क्रोमियम हिंदी में लिख देते हैं, क्रोमियम जरूर मिलाते हैं। तो ऐसे करके आपको स्टेनलेस स्टील याद हो जाएगा। स्टील का लिखेंगे लोहा कार्बन, और जहां पे लोहा होता है वहां पे निकेल और क्रोमियम जरूर मिलाते हैं। कैसे, इसका एक और ट्रिक समझो। देखो नाइक्रोम का भी एग्जाम में आता है, नाइक्रोम का भी एग्जाम में आता है, तो चलो नाइक्रोम तो निकेल, निकेल देखो न से निकेल, क्रो से क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम, और म से मैग्नीज, मैग्नीज है ना। अब बताओ जहां पे लोहा होता है वहां पे निकेल क्रोमियम मिलाते हैं, जहां पे निकेल क्रोमियम होता है वहां पे लोहा भी आ जाएगा, तो ये है आपका नाइक्रोम का, ठीक है, इसको भी याद कर लो। स्टील का है आपका ये, और ये है आपका स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, ये तीनों अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और भी अच्छा अच्छा ट्रिक है जो कि मैंने मिश्र धातु एलॉयज एंड कंस्टिट्यूएंट का जो लेक्चर बनाया है उसमें मैंने बताया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आठ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है? एट में आपका आया है गूगल का सीईओ, गूगल का सीईओ, गूगल का सीईओ सबको पता है, अपने इंडियन ही है, सुंदर और आईआईटीएन है, सुंदर पिचाई, पिचाई इन्होंने इंजीनियरिंग आईआईटी से कंप्लीट किया है, आईआईटी खड़गपुर से, ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। 2016 हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, 2016 हॉकी चैंपियन, चैंपियन ट्रॉफी ये जो हुआ था इसके बारे में दो तीन पॉइंट देख लो। सबसे पहला होस्टिंग कंट्री, होस्ट कौन किया था, होस्टिंग कंट्री तो ये किया था यूके, यूके, ओके। विनर कौन था, तो विनर था ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन तीन चार बार रिपीट हो चुका है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। और सेकेंड रैंक कौन लाया था, सेकेंड या आप रनर अप कह सकते हो, रनर अप, रनर अप कौन था, तो ये था इंडिया, इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टेन देखो, गूगल का सीईओ आ गया, अमेजन का भी सीईओ आ गया, अमेजन का सीईओ, अमेजन का सीईओ, ये सब आप लोगों के मुंह पे होना चाहिए क्योंकि जानते हो सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो अमेजन का सीईओ का नाम तो ये है जेफ, जेफ बेजोस, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। लास्ट मुगल कौन था? लास्ट मुगल इंपीरियर, लास्ट मुगल शासक मुगल कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर टू, बहादुर शाह जफर टू। वैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो आ जाता है अकबर से लेकर के आ जाता है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, ठीक है, बस यही कुछ आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। चलो यह है सचिन, देखो सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर इसने एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का क्या नाम है? तो 100 MB क्रिकेट, क्रिकेट 100 MB क्रिकेट इसने ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम है 100 MB क्रिकेट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, मैं करता हूं जो मैं करता हूं, कौन लिखा है, किसका बुक है? तो रघुराम राजन, रघुराम राजन, और ये पहले RBI के गवर्नर थे। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और आया था कि ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? तो शिकागो, शिकागो यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। चलो पॉइंट नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं, 14 क्या है? ये है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इंडेक्स में इंडिया का, इंडिया का रैंक, इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 42। ये इंडेक्स रैंकिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख करके ही एग्जाम में जाना, ठीक है, वैसे होगा तो मैं इसके बारे में लेक्चर बना दूंगा। 15 नंबर 15 एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी, देखो क्वेश्चन हार्ड हो रहा है धीरे धीरे, एनर्जी कमीशन, और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक, ये आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड, ये सब करेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये सब अगर नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यार आपको 20 नंबर मैथ्स रीजनिंग, 45 नंबर दोनों मिला करके आ रहा है, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से आ रहा है, 65 नंबर और 10 क्वेश्चन जनरल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से। तो आप जनरल साइंस को अच्छा करो ना, करंट अफेयर चलो आता है ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, जनरल साइंस को अच्छा करो, उसमें आप 15-16 नंबर स्कोर करो, काफी आसान है यार जनरल साइंस में 15 नंबर स्कोर करना। मैं बता रहा हूँ आप स्पीडी सीरीज जो है वो जनरल साइंस का वो देखो, मैंने टॉप 100 क्वेश्चन आस्क इन जनरल साइंस ये मैंने डाला हुआ है, जिसमें मैंने 3 पार्ट अभी तक 60 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप लोग उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखें, उसको आप लोग देख करके जाओ, 14-15 नंबर गारंटी ले आओगे यार, इतना अच्छा क्वेश्चन बताया गया है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड कौन है? तो ये है शेखर बसु, शेखर वासु, ठीक है, ये है। एक क्वेश्चन आया था ये काफी आसान था, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आया है या नहीं आया, लड़कों ने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि मान लो भी बराबर IR है, कोई बोल दिया सर करंट का वैल्यू पूछ दिया था, कोई बोल दिया वोल्टेज का वैल्यू पूछ दिया था, अरे यार भी बराबर IR पढ़ो ना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, कुछ भी पूछेगा बना लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ये रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ रिटन बाय, ये है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ओपेरिन, ओपेरिन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है। शिव थापा, शिव थापा किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी, हॉकी, ठीक है, ये आपका 18 हो गया। और कुछ क्वेश्चंस है जो क्लियर नहीं है बट मैं सेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलेंडर, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्लॉक से एक क्वेश्चन आ रहा है, एज, एज से एक क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आ रहा है, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फिगर इससे आ रहा है, मिरर इमेज से आ रहा है, ठीक है,
मैट्रिक्स से आ रहा है, मैट्रिक्स होता है ना ऐसे करके रहता है, कोड किया हुआ है कि सी यू पी को लिखे हुए हैं ये, तो एम ए टी को क्या होगा इस तरह से। तो ये सारा सेक्शन गारंटी नंबर देता है, ये सारा सेक्शन भारी नहीं है, ठीक है, ये सारा सेक्शन आपको गारंटी नंबर देगा। तो ये सब पे आप देख लेना। और मैथ जो है ये आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया पूरा, और मैथ जो है मैथ काफी सिंपल आ रहा है, मैथ में कुछ करना ही नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता है ना तो आप आसानी से बना लोगे, आसानी से 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट स्टेप में। आप लोग क्या करो, अपना अपना ट्रेड को कमेंट करो, ओके, ट्रेड को कमेंट करो ताकि हम लोग के लिस्ट में पता चले कि सबसे ज्यादा फिटर है कि इलेक्ट्रीशियन है कि इलेक्ट्रिकल है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और रेगुलर फॉलो करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट स्टेप के एनालिसिस के साथ।